मैं कहना चाहूँगा केम्ब्री के सभी नौजवान बुजुर्गों माताओं और बहनों ने मुझे बहुत मुझ पर यकीन करके, क्योंकि अभी जो पीछे चेयरमैन रहे हैं लोग, उन्होंने केवल घोषणाएं की और काम नहीं किए। हमने वादे किए हैं, जो जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि पूरे 5 साल तक हमसे कोई भी एक व्यक्ति इस बात से नाराज़ ना हो कि हमने उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। मैं पिछली बार भी मैं आम आदमी पार्टी के निशान से लड़ा था और एक निशान हमने डमी का ले लिया था जो झाड़ू से मेल खाता था, उसकी वजह से हम चुनाव हारे थे, नहीं तो हम पिछला चुनाव 5 साल पहले ही जीत गए थे। सफाई, हमारी पार्टी सफाई पर ज़्यादा ध्यान देगी। यहाँ कूड़ों के ढेर हैं, नालियाँ बंद पड़ी हैं, सबसे पहले हमारे गौर जो है सफाई पर होगी, सफाई को देखेंगे। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझसे उम्मीदें लगाई हैं और मैं भी कोशिश करूँगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। देखिए, भाजपा की सरकार है लेकिन नगरपालिका नगर पंचायत इनके अपने एक कोटे होते हैं, सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भाजपा का चेयरमैन है तो केवल उनको ही पैसा मिलता है, अगर कहीं विपक्ष के भी होते हैं तो वहाँ उनको भी उनका कोटा दिया जाता है। उससे करेंगे और पालिका की कुछ और आमदनी के ज़रिए तलाश करेंगे। मैं अपने बड़े नेताओं के लिए कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं खासकर संजय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए चुनाव प्रचार में आए, और मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसे लीडर हैं, साफ छवि के लीडर हैं, उनके आने से मुझे फ़ायदा हुआ है, लोग जुड़े हैं। झाड़ू से एक तो जो गंदी राजनीति है उसकी सफाई करेंगे और बाकी तो गलियों की और सड़कों की सफाई तो होगी, लेकिन जो भ्रष्टाचार की जो यहाँ वो चल रही थी, भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे।